नमस्कार, मैं राज किशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का द्वितीय भाग सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम कोसेट किसे कहते हैं यह सीखेंगे। नॉर्मल तथा कोशेंट ग्रुप परिभाषित करना सीखेंगे। ग्रुप्स की आइसोमॉर्फिज्म तथा होमोमॉर्फिज्म परिभाषित करना सीखेंगे। अंत में रिंग, इंटीग्रल डोमेन तथा फील्ड के बारे में सीखेंगे। कोसेट्स, यदि H किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप हो तथा A G का कोई एलिमेंट हो, तो A द्वारा जनरेट किया गया राइट कोसेट एक सेट होता है जिसके एलिमेंट H A होते हैं, जहां पर स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट है। A द्वारा जनरेट किया गया लेफ्ट कोसेट एक सेट होता है जिसके एलिमेंट ए एच होते हैं, जहां पर एच स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है। हम देख सकते हैं कि एच ए और ए एच जी के सबसेट हैं। चूंकि ई जी का एलिमेंट है और एच ई इक्वल टू एच इक्वल टू ई एच, इस प्रकार एच स्वयं एक लेफ्ट कोसेट तथा साथ ही एक राइट कोसेट भी है। यदि ग्रुप जी एबिलियन हो तो एच ए इक्वल टू एच होगा, अर्थात लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे। यदि ग्रुप कंपोजिशन एडिशन हो तो हम राइट कोसेट तथा लेफ्ट कोसेट को एच प्लस ए तथा ए प्लस एच से डिनोट करेंगे। उदाहरण के लिए इंटीजर्स के सेट को लेते हैं तथा इसके एक सब ग्रुप एच जिसमें 3 के मल्टीपल्स हों को लेते हैं। क्योंकि ग्रुप जी एबिलियन है अतः लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे। आइए हम जी में सबसेट एच के कोसेट्स बनाते हैं। क्योंकि 0, 1 तथा 2 जी के एलिमेंट हैं, यहां पर आप 4 कोसेट्स एच प्लस 0, एच प्लस 1, एच प्लस 2 तथा एच प्लस 3 देख रहे हैं। इन कोसेट्स को यदि हम ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि एच प्लस 0 इक्वल टू एच इक्वल टू एच प्लस 3 तथा जी एच प्लस 0 एच प्लस 1 एच प्लस 2 का यूनियन है। कोई दो राइट कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होते हैं या फिर एक समान होते हैं। डिसजॉइंट राइट कोसेट्स का सेट जी में एक पार्टीशन जनरेट करता है। लैग्रांज थ्योरम, एक फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को विभाजित करता है। आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। माना जी एक एन ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है तथा एच जी का एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम है तथा एच के एलिमेंट एच वन एच टू एच एम है। जी के किसी एलिमेंट ए के लिए राइट कोसेट एच ए इक्वल टू एच वन ए एच टू ए अप टू एच एम ए होगा, जिसका ऑर्डर भी एम ही होगा। जी की प्रत्येक राइट कोसेट में अलग अलग एलिमेंट होंगे। इसके अलावा कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर एक समान है। मान लीजिए कि जी में एच के के डिसजॉइंट राइट कोसेट्स हैं। क्योंकि डिसजॉइंट राइट कोसेट्स का सेट जी में एक पार्टीशन को जनरेट करता है, तो इन राइट कोसेट्स का यूनियन सेट जी के बराबर होगा। यदि जी में एच के के डिसजॉइंट राइट कोसेट्स एच ए वन एच ए टू अप टू एच ए के हों, तो जी इन राइट कोसेट्स के यूनियन के बराबर होगा। क्योंकि हर एक राइट कोसेट का ऑर्डर m है, अतः g का ऑर्डर इन सभी राइट कोसेट्स के ऑर्डर के योग के बराबर होगा। अतः n इक्वल टू एम के, अर्थात m n को विभाजित करता है। यही हमें प्रूव करना था। नॉर्मल सब ग्रुप, किसी ग्रुप g के सब ग्रुप h को g का एक नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। यदि सभी a जो कि g के एलिमेंट हों के लिए एच ए इक्वल टू ए एच होता हो। स्पष्ट रूप से जी और ए जी के नॉर्मल सबग्रुप्स हैं और इन्हें ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप भी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए एक एबेलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होता है। एडिशन के लिए इवन इंटीजर्स का ग्रुप इंटीजर्स के ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप है। कोशेंट ग्रुप, माना कि जी एक ग्रुप है और एन जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। सेट जी बाय एन इक्वल टू एन ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, जो कि एन में एन के जी में सभी राइट कोसेट्स का सेट हो। ऑपरेशन एन ए एन बी इक्वल टू एन ए बी के तहत एक ग्रुप बनाता है। इसे जी का एन द्वारा कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहा जाता है। कोशेंट ग्रुप जी बाय एन की आइडेंटिटी एलिमेंट एन है। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट एडिशन के लिए एक ग्रुप है। यदि इसका एक सब ग्रुप एन ले लें जो कि 3 के मल्टीपल्स का सेट हो, तो एन जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कोशेंट ग्रुप जेड बाई एन में तीन एलिमेंट्स एन एन प्लस वन तथा एन प्लस टू होंगे। क्योंकि एन प्लस एक्स एक्स की अन्य वैल्यूज के लिए इन तीन में से किसी न किसी एक के बराबर ही होगा। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, माना कि जी ओ तथा जी वन स्टार दो ग्रुप हैं। कोई मैपिंग जी से जी वन में होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। यदि जी के सभी एलिमेंट्स ए तथा बी के लिए एफ ए ओ बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी होता हो। इसके अलावा यदि यह मैपिंग वन वन ऑन टू हो तो यह आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। इसे हम जी आइसोमॉर्फिक जीवन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आर रियल नंबर्स का एक एडिटिव ग्रुप हो तथा आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, तो हमें यह दिखाना है कि एक मैपिंग एफ जो कि आर से आर प्लस में है और एफ एक्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स द्वारा परिभाषित की गई है, यह एक आइसोमॉर्फिज्म है। यदि x1 तथा x2 कोई दो रियल नंबर हो तो यहाँ पर हमने यह दिखाया है कि एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू ई रेज पावर एक्स वन प्लस एक्स टू। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई रेज पावर एक्स वन इंटू ई रेज पावर एक्स टू दिस इक्वल टू एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू, जो यह सिद्ध करता है कि यह मैपिंग एक होमोमॉर्फिज्म है। पूर्व में फंक्शन के लेक्चर में बताई गई विधि से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह 1-1 ऑन टू फंक्शन है, अतः यह मैपिंग एक आइसोमॉर्फिज्म है। रिंग, कोई नॉन एम्प्टी सेट R दो क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन तथा मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग कहलाता है यदि एडिशन एसोसिएटिव व कम्यूटेटिव हो। एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 R का एक एलिमेंट हो तथा हर एक x के लिए एडिटिव इनवर्स माइनस x एग्जिस्ट करता हो। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो तथा मल्टीप्लिकेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव हो। यदि ये सारी प्रॉपर्टीज सेट में हो तब वह रिंग कहलाता है। कम्यूटेटिव रिंग, कोई रिंग कम्यूटेटिव कहलाता है यदि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव हो। रिंग विद यूनिटी, कोई रिंग रिंग विद यूनिटी कहलाता है यदि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात 1 आर का एलिमेंट हो। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट एडिशन तथा मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग बनाता है, यह एक कम्यूटेटिव रिंग भी है। जीरो डिविजर्स ऑफ ए रिंग, यदि आर कोई रिंग हो तथा जीरो उसकी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट एक्स जीरो डिविजर कहलाता है यदि आर में एक दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट वाई हो जिसके लिए एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाए। उदाहरण के लिए 2x2 के मैट्रिसेस का सेट जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हों, मैट्रिक्स एडिशन तथा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग बनाता है। यह रिंग विद जीरो डिविजर्स है क्योंकि दो मैट्रिसेस ए तथा बी का प्रोडक्ट बिना ए तथा बी के जीरो हुए भी जीरो हो सकता है। यह कम्यूटेटिव रिंग नहीं है क्योंकि सामान्यतः ए बी
बीए के बराबर नहीं होता। इंटीग्रल डोमेन, कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि उसमें कोई जीरो डिविजर्स नहीं हो, अर्थात यदि ए बी इक्वल टू जीरो हो तो या तो ए इक्वल टू जीरो हो अथवा बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट जो एडिशन तथा मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिंग बनाता है एक इंटीग्रल डोमेन है। डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, कोई रिंग आर डिवीजन रिंग कहलाता है यदि उसमें यूनिट एलिमेंट हो तथा प्रत्येक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। फील्ड, कोई कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग आर फील्ड कहलाता है, अर्थात कोई रिंग आर फील्ड कहलाता है यदि वह कम्यूटेटिव हो उसमें यूनिट एलिमेंट हो तथा प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। उदाहरण के लिए रियल नंबर्स तथा रेशनल नंबर्स के रिंग्स सामान्य एडिशन तथा मल्टीप्लिकेशन के लिए फील्ड हैं। यहां दिए गए डायग्राम के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के रिंग्स के बीच में संबंध देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने कोसेट, नॉर्मल सबग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, रिंग, इंटीग्रल डोमेन तथा फील्ड के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।